फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट रीजन फॉर स्मार्ट एंसर। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आई है यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर गाइज, आपके यहाँ पर कौन से एग्जाम पहले होने वाले, या आरआरबी एनटीपीसी पहले होगा या आपका ग्रुप डी पहले एग्जाम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कौन सा एग्जाम पहले होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले, और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर गाइज, यहाँ पर एग्जाम वेंडर सिलेक्शन कब तक फाइनल होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे 25 सितंबर की मीटिंग में क्या हुआ, फुल अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या हुआ उस दिन, और क्या क्या होने वाला है एग्जाम वेंडर, कब तक सिलेक्शन होने वाला है, ये सारे डिस्कस सारे यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो सभी को पसंद आए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुँच सके। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ ऑफिशियल अपडेट आपके लिए आया है। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो ऑफिशियल नोटिस आई थी कैसे कैसे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, और कितने, अगर बात करें कितने नंबर ऑफ एजेंसी एग्जाम, जो एग्ज़ाम एजेंसी है जो कंडक्ट हुआ था, उन्होंने कितना यहाँ पर अप्लाई किया था, 25 नंबर ऑफ एग्ज़ाम एजेंसी ने यहाँ पर अप्लाई किया था एग्ज़ाम वेंडर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने एग्ज़ाम वेंडर यहाँ पर अप्लाई किए हैं और क्या क्या आपका उसका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जो नोटिफिकेशन आई थी जिसमें बताया गया था कि आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, जो एग्ज़ाम वेंडर का जो आपका सिलेक्शन होने वाला है कैसे होने वाला है, प्रोसेस यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। नोटिफिकेशन क्या थी मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिटेल्स में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ पर कैसे सिलेक्शन कब तक होगा, सिलेक्शन यहाँ पर मीटिंग में क्या क्या हुआ, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो गाइस, 21 रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। उसके बाद नीचे मेंशन कर दिया गया गाइस कि जो भी यहाँ पर प्रोसेस है सारा ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल मोड में स्विच हो चुका है, आरआरबी की जितने भी साइट है सही है यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, तो जितना भी एग्जाम जो ले रहा है आरआरबी सारा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है, तो ऑलमोस्ट स्विच कर चुका है ये डिजिटल मोड में। ओके, ऑलमोस्ट ये डिजिटल मोड में स्विच कर चुका है। अब यहाँ पर बात करें गाइस एग्जाम जो मीटिंग एजेंडा है उसमें क्या क्या है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मीटिंग एजेंडा क्या है। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं मीटिंग एजेंडा की तरफ, तो आप देख सकते हो बिफोर इनिंग ओपन ए टेंडर फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ ECA। देखो, जो भी यहाँ पर जो टेंडर को फाइनल, जो भी यहाँ पर पहले देना चाहते हैं टेंडर, जिसको भी ये देना चाहते हैं आरआरबी, उनसे पहले एक मीटिंग अरेंज करवाया इन्होंने मीटिंग इसलिए अरेंज करवाया क्योंकि वो जानना चाहते हैं उनके प्रोस्पेक्टिव क्या है, वहाँ पर वो किस टाइप से एग्ज़ाम को हैंडल करने वाले हैं, उनको एक प्रेजेंटेशन में जितने वेंडर ने जितने भी एजेंसी ने एग्ज़ाम एजेंसी ने यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर इसके लिए फॉर्म फिल किया होगा, उनको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा जिनमें उनको बताना पड़ेगा कि वो कैसे हैंडल करेंगे एग्ज़ाम को। उनको एक जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट मेंशन किया गया, इन सारे पॉइंट पर उनको बताना पड़ेगा वो कैसे कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम सेंटर को, कैसे हैंडल करेंगे आंसर किया गया तो कैसे हैंडल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया, देख सकते हो एवरी कंपनी विल बी गिवन अ स्लॉट ऑफ 10 मिनट्स ओनली, दे विल कॉल्ड वन आफ्टर द अदर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए उन सभी लोगों को बुलाया जाएगा, 10 मिनट्स उनको टाइम दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करके बताने के लिए वो कैसे यहाँ पर हैंडल करेंगे, जैसे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है कंडक्ट कराने का एग्जाम, पास्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने किसने कितना एग्जाम कंडक्ट कराया, ये भी उनसे पूछा जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या अगर बात करें तो और यहाँ पर देख सकते हो और उनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी फॉर अ क्वेश्चन रिपोजिटरी डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये सब उनसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ उनसे पूछा जाएगा यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ अ पोस्ट एग्जाम एक्टिविटी एज अ एग्जाम्पल आंसर की कैंडिडेट्स ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग रिजल्ट प्रोसेसिंग, ये सारा कुछ उनसे पूछा जाएगा, वो कैसे हैंडल करने वाले हैं, क्या उनका पर्सपेक्टिव रहने वाला है, किस टाइप से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ये सारा कुछ उनसे प्रेजेंटेशन में पूछा जाएगा। ओके, तो ये तो यहाँ पर नोटिफिकेशन थी जिसमें कि मैंने बताया आपको कैसे कैसे उनका सिलेक्शन होना है। अब यहाँ पर NDTV के आर्टिकल पर चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कब तक उनका सिलेक्शन होगा और कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर जो आर्टिकल आया है NDTV की तरफ से कब तक आपका यहाँ पर जो वेंडर डिसाइड होगा उसकी तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख दिया गया एक्सटर्नल एजेंसी टू कंडक्ट रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। अब यहाँ पर गाइस बात करें तो क्या क्या यहाँ पर मेंशन किया गया, मेंशन यहाँ पर कर दिया गया, देख सकते हो द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री इंडियन रेलवे विटनेस्ड ओवर 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट
3 लाख जॉब इन लास्ट 2 ईयर्स। तो बहुत बड़ा जानते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कितना हुआ, 5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुका है अगेंस्ट 3 लाख जॉब की। ओके अब यहाँ पर बात करें गाइस और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कब तक आपका ये सिलेक्शन होने वाला है, वो कब तक होने वाला है, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। सो गाइस यहाँ पर देखो आर्टिकल में और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, आर्टिकल में यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो, हायरिंग एन एक्सटर्नल एजेंसी फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम कन्फर्मिंग द न्यूज टू NDTV एंड ऑफिसियल ऑफ द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेड वी विल हायर एन एजेंसी टू कंडक्ट द रेलवे रिक्रूटमेंट। देखो यहाँ पर जो क्लियरली मेंशन किया है उसके बाद यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, मैं आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, आफ्टर ए मीटिंग विद द टॉप ऑफिशियल द बोर्ड विल बी प्रिपेयर द टेंडर एंड इन्वाइट एप्लीकेशन फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव एजेंसीज, इट वुड टेक 1 to 2 months टू फाइनलाइज द एजेंसीज। अब आपको यहाँ पर समझना है इस बात को गाइस कि 1 से 2 मंथ आपका यहाँ पर जो वेंडर फाइनलाइज करने में लग जाएगा यहाँ पर RRB को। ओके 1 से 2 मंथ मतलब अभी चल रहा है क्या, अभी यहाँ पर आपका सितंबर चल रहा है, नहीं हाँ सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो सकता है आपका और नवंबर में हो सकता है ये फाइनल हो जाए। ठीक है जैसा कि एग्ज़ाम के बारे में बताया गया था यहाँ पर नवंबर टू दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल कर देंगे, उसको नवंबर में ही फाइनल कर लेंगे। ठीक है उसके बाद अगर बात करें नीचे और क्या क्या दिया गया, तो आप देख सकते हैं व्हेन आस्क्ड अबाउट अरबे NTPC एग्जाम द ऑफिशियल सेड द एग्जाम डेट विल बी फिक्स्ड आफ्टर द एजेंसी हैज़ बीन हायर्ड। अभी तक कोई एग्जाम डेट यहाँ पर दिया नहीं गया है। ठीक है जब तक एजेंसी यहाँ पर फिक्स नहीं होगा तब तक आपका यहाँ पर एग्जाम डेट भी फिक्स नहीं है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ओके तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन आती है इसकी 25th वाले मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका मैंने यहाँ पर डिटेल्स मेंशन किया है। अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाने वाला हूँ जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से आई है। ठीक है तो वो अपडेट मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। सो गाइज ये जो नोटिफिकेशन आई थी ये 26 सितंबर को आई थी, आप देख सकते हो यहाँ पर 26 सितंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन ये आई थी। ओके इसमें क्या मेंशन किया गया, इसमें मेंशन किया गया है NTPC की एग्ज़ाम डेट कब तक यहाँ पर होगी, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये नोटिफिकेशन का क्या दिया गया, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हेल्ड अ प्रेजेंटेशन सीजन, ये जो प्रेजेंटेशन हो चुका है उसके बाद का नोटिफिकेशन है, विथ मेजर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसीज ECA2। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर इनका स्ट्रेंथ, पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ जानना है उनको, पोटेंशियल टू हेल्ड अ लार्ज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर इंडियन रेलवे, इनको जानना है कि वो कितना बड़ा एग्जाम जो भी रिक्रूटमेंट इनका बहुत बड़ा आता है तो कैसे हैंडल, कैसे उनका हैंडल करना है, क्या कर रहे हैं, कैसे हैंडल करना है, क्या कर रहे हैं, वो सारा इनको इसमें प्रेजेंटेशन में इनको बताया गया होगा। ठीक है अब यहाँ पर बात करके और यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, ठीक है यहाँ पर देख लो, इंडियन रेलवेज बींग द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ मैन पावर हैज़ बीन ओवर अ 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट एंड ऑलमोस्ट इक्वल नंबर इज द पाइपलाइन रेलवे एग्जामिनेशन इन्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रनिंग इन टू लाख एंड मोर लास्ट ईयर वन ऑफ द एग्जामिनेशन हैड अबाउट 1.89 करोड़ कैंडिडेट्स विच इज अ रिकॉर्ड। जैसे कि आपको पता है लास्ट ईयर इन्होंने 1.89 करोड़ कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल किए थे, ये एक रिकॉर्ड है। ठीक है तो इतने बड़े एग्जाम को हैंडल करने के लिए वेंडर डिसाइड करना इजी नहीं होता, अच्छे वेंडर को डिसाइड करना पड़ेगा ताकि वो एग्जाम को अच्छे से हैंडल कर सके। ओके अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट और क्या मेंशन किया गया। सो गाइस देखो नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन किया है, कंडक्टिंग सच अ लार्ज स्केल एग्जामिनेशन सक्सेसफुली हैज बीन अ मैटर। तो यहाँ पर देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि वो बोर्ड जो भी यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, जो भी एजेंसी यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा वो एक बहुत अच्छा एजेंसी होना चाहिए, बेस्ट एजेंसी होना चाहिए इतने बड़े एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पर बात करें एग्ज़ाम आपका कब होगा, तो आप देख सकते हो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी फॉर होल्डिंग द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन ऑफ नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मीन्स यहाँ पर इट्स मीन्स जो यहाँ पर लिखा गया नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी RRB NTPC की एग्जाम है। ठीक है मिसलेनियस कैटेगरीज टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। ओके तो यहाँ पर RRB ग्रुप डी के बारे में मैंशन नहीं किया गया है। ठीक है आपको यहाँ पर बस एक ही चीज़ दिया गया है आपके लिए, बस एक ही चीज़ यहाँ पर नन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के बारे में यहाँ पर मैंशन किया गया अपकमिंग नेक्स्ट मंथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर नवंबर में डेट आ सकता है, उसका नवंबर या दिसंबर तक डेट इसका आ सकता है। ठीक है तो
तो उम्मीद यही की जा रही है कि पहले यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो, पर यहाँ पर हो सकता है मे बी यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा लिया जाए। देखो यहाँ पर क्या डिसाइड होता है। अभी तक अगर रेलवे के अकॉर्डिंग बात की जाए तो अभी तक एप्लीकेशन स्टेटस सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी का आया है। हो सकता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम पहले हो जाए, लेकिन इन केस अगर रेलवे अगर चाहे तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा सकता है। अगर एप्लीकेशन स्टेटस इसका आउट करता है इसका मतलब इसका एग्ज़ाम पहले होगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। जितना भी आप जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच सके।